हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। आज की इस वीडियो में सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो काम करते समय बीच में जब एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज हो और उसे हटाना हो तो कैसे हटाते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो पेज के बाद यहाँ पर जो तीसरा पेज है ये हमारा ब्लैंक पेज है, तो इस वाले ब्लैंक पेज को हटाना हो तो कैसे हटाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और यहाँ पे दिया हुआ है जूम का ऑप्शन, आपको यहाँ पर माइनस वाले बटन पे क्लिक करना है। इस तरीके से मल्टीपल पेजे को एक साथ दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमने काम किया हुआ है, काम के अलावा यहाँ पर कितने सारे एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज है। एक पेज ये हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है वर्टिकल स्लाइडर, इस पर क्लिक करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं दो पेज, यहाँ पर और आपको नीचे आना है तीन पेज, चार पेज और यहाँ पर देखिए पाँच पेज। टोटल हमने 10 पेज पे काम किया है और यहाँ पर 5 पेज एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज है। तो इन सभी पेज को हटाने के लिए आपको करना क्या फ्रेंड्स, तो देखिए आपको होम टैब पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिया हुआ है शो हाइड का बटन, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो हमारा ब्लैंक पेज है इसमें आपको दिखाएगा कितनी सारी लाइनें यहाँ पर ब्लैंक है। तो इस वाले ब्लैंक पेज को हटाने के लिए आपको करना क्या फ्रेंड्स, ये जो हमारा शो हाइड का सिंबल है आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट जहाँ तक ये सिंबल है सभी को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आपको डिलीट की प्रेस करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेज हमारा हट गया। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी ब्लैंक पेज है और पेज के ऊपर जो सिंबल दिखा रहा है फ्रेंड्स वहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंबल है, तो यहाँ पर मैंने इतना सिलेक्ट करके और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पेज हमारा हट चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं नीचे आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पर इतने सारे सिंबल है, तो जहाँ तक सिंबल है सभी को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से आपको डिलीट की प्रेस करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेज भी हमारा हट गया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस वाले पेज में जो हमारा हेडिंग है ये नीचे की ओर है और ऊपर से यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है, तो यहाँ पर जो ये जो सिंबल है इसे सेलेक्ट करके आपको कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा हेडिंग है पेज 7 ये ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो पेज है ये भी ब्लैंक है फ्रेंड्स। यहाँ पर करना क्या है, जहाँ तक आपको सिंबल दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आपको डिलीट की प्रेस करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेज हमारा हट चुका है। और भी पेज हटाने के लिए आपको नीचे आना है और जो भी पेज आपका जहाँ तक आपको सिंबल दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमने सभी ब्लैंक पेज को हटा दिया। पेज हटाने के बाद आपको दोबारा से होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पर शो हाइड बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद पेज को बड़ा करने के लिए व्यू टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है 100% पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पेज हमारा बड़े साइज में हो गया। अब मैं आपको सभी पेज को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला पेज है, इसके बाद ये दूसरा पेज है, इसके बाद ये तीसरा पेज है, यहाँ पे चौथा पेज, पाँचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा और दसवा। तो आपने देखा यहाँ पर किसी भी पेज में यहाँ पे ब्लैंक पेज नहीं है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में काम करते समय बीच में एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज आने पर कैसे हटाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी और भी नई वीडियो आते ही आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।